गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो शेयर करने लायक लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्डुइनो प्लेलिस्ट, जिसका ये पहला वीडियो है। तो आज मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आर्डुइनो क्या होता है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आर्डुइनो क्या होता है ये अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बताने से पहले आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा कि आर्डुइनो दिखता कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा पास से दिखा देता हूँ तो आपको अभी शायद दिख रहा होगा, ये है आर्डुइनो, जो आप लोगों को किसी भी मार्केट में जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट में, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। वहाँ से आप लोगों को ये आसानी से 300 या 400 रुपये में मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। तो अभी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को अपने अंडर कंट्रोल रख सकते हो, मतलब किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ता है और उसे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको ऑपरेट करना चाहते हो, तो इसके थ्रू आप लोग बहुत आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हो। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आज के डेट में बहुत सारे हज़ारों प्रोजेक्ट्स में ये ब्रेन के रूप में यूज़ किया जा चुका है। ये ब्रेन के रूप में इसलिए यूज़ किया जा चुका है क्योंकि ये आपका जो इनपुट आप इसको देते हो, मतलब इसको जो कमांड देते हो, ये उसको रीड भी करता है और उसको आउटपुट में परफॉर्म भी करता है। तो ये इसका बेसिक जो सिस्टम ऐसा ही है कि आप लोगों को एक इनपुट इसको देना होगा, मतलब एक कमांड देना होगा, फिर ये उस कमांड को फॉलो करेगा और आपको आउटपुट में परफॉर्म करके उस चीज़ को दिखाएगा। तो इसके थ्रू आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। फॉरेन साइड तो ये बचपन में सिखा दिया जाता है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि इसको सिखा दिया जाए अभी से, लेकिन आप अगर आप लोग चाहते हो सीखना तो इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो। ये कोई टिपिकल प्रोग्रामिंग नहीं है, बस थोड़े बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीखना पड़ता है। आर्डुइनो के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला ये जो है, ये जो मेरे हाथ में है, ये आर्डुइनो ऊनो है। आर्डुइनो नैनो भी आता है, आर्डुइनो लियोनार्डो भी आता है और आर्डुइनो डियो भी आता है। ये सब एक डिफरेंट टाइप्स के आर्डुइनो हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बनावट ऐसा है, इसमें मतलब इसमें एक लिमिटेड पिंस है जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो इसमें जो और भी टाइप्स आते हैं उनमें ये चेंज रहता है कि वो उनका परफॉर्मेंस, उनका स्पीड, ये सब में डिफरेंस रहता है, उनके पिंस वगैरह ये सब में डिफरेंस रहते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा डीपली बता दूंगा कि ये चलता कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पोर्ट दिया ये इसका मेन आईसी है। इस आईसी से ये अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये जो इसके पोर्ट्स देख रहे हो, यहाँ पर इसके जो पोर्ट देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे जो पिन बने हुए हैं इसमें हम अपने वायर्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर जो ये सॉकेट देख रहे हो, यहाँ पर ये इसका पावर इनपुट सॉकेट है। इसमें आप 9 से 12 वोल्ट के बीच का पावर सोर्स इसको दे के इसको ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये सॉकेट देख रहे हो, ये इसका डेटा सॉकेट है। यहाँ से आप इसको प्रोग्राम करोगे, यहाँ से एक केबल लगेगा, वो केबल आपके लैपटॉप में या पीसी में जाकर कनेक्ट होगा। फिर वहाँ से आप लोग दो सॉफ्टवेयर में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ कुछ तो मेरे पास है, लेकिन इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको आप आर्डुइनो से कनेक्ट करके बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि सेंसर्स हो गए, आईआर ब्लास्टर हो गया, या फिर इसमें बहुत सारे मोटर कंट्रोलर, लाइट कंट्रोलर और इसमें रिले वगैरह बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो मेरे पास कुछ चीज़ हैं, उसको मैं दिखा देना चाहूँगा। तो ये मैंने ऑर्डर किया था, ये रिले है, 4 रिले का सेटअप है। ये रिले का मेन मतलब ये रहता है कि आप लोगों को
अगर कोई बड़ा सोर्स मतलब जिसमें पावर ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि कोई बिजली का सामान हो गया हमारे घर में, लाइट फैन ये सब चीज़ें, इसको आप इससे कनेक्ट करके आर्डुइनो से इसको कमांड देकर उस चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये काम ये रिले बोर्ड करता है, हालांकि ये यहाँ पे चार है, आप इसको सिंगल सिंगल भी ले सकते हो और ये पेयर में भी बहुत सारे आते हैं। ये जंपर वायर्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये जंपर वायर्स हैं। ये मेरे पास 60 पीस है, मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत ही चीप है, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं ये सब। मैंने ये जो रिले है, ये जो जंपर वायर्स हैं और ये एक ब्रेड बोर्ड है, ये सभी मैंने मिलाकर लगभग 400-500 में ले लिए हैं। तो ये जंपर वायर्स मेरे पास 20-20 के पेयर्स में हैं। 20-20 पेयर के मतलब ये फीमेल टू फीमेल है ये वाला, और ये है मेल टू मेल, और ये है फीमेल और मेल। मतलब इसके सॉकेट्स आप लोगों को मैं जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका सेटअप कैसे करना है, उसमें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए ये सब चीज़ कैसे काम करते हैं और कैसे लगाना है इन लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो में क्या क्या कमियाँ हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को मैं इसके सेटअप के बारे में, आर्डुइनो सेटअप के बारे में बताऊंगा एकदम अच्छे से और बेसिक से। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।